श्रीगंगानगर के समेजा कोठी से बड़ी खबर आ रही है। समेजा कोठी में दोपहर करीब 1 बजे भारत फाइनेंस कंपनी के एजेंट राजकुमार से एक अज्ञात युवक तलवार की नोक पर 55,500 रुपये, एक लैपटॉप सहित बैग छीनकर फरार हो गया। ये घटना उस वक्त घटी जब एक एजेंट बरूवाला से होते हुए 16 PTD में अपने ग्राहकों से किस्त वसूली करके वापिस आ रहा था। तभी नहर पुल के पास पहले से रुके युवक ने हाथ देकर कहा कि मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है, आप मदद करो। इतना कहते ही युवक ने पीछे छुपाई नंगी तलवार एजेंट के गले पर रख दी और बैग मांग लिया। एजेंट राजकुमार ने जान का खतरा देख बैग लुटेरे को सौंप दिया। लुटेरा बैग लेते ही प्लेटिना मोटरसाइकिल, जो बिना नंबर की बताई जा रही है, से नहर की पटरी पटरी होते हुए फरार हो गया। युवक ने समेजा थाने में पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सूचना पर तुरंत आसपास की ढाणियों इलाके में सर्च किया पर सफलता नहीं मिली। ये घटना समेजा थाने से महज 1 किलोमीटर के दायरे में हुई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल पैदा करती है। तो वहीं घटना जो है समेजा थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई है। यहाँ पे एक युवक को तलवार की नोक पर उससे नकदी व कुछ सामान जो है छीनकर लुटेरा फरार हो गया। पुलिस सभी तलाश में जुटी हुई है। मैं भारत फाइनेंस कंपनी में काम करता हूँ और आज सुबह मैं कलेक्शन के लिए निकला था बरूवाला और 16 PTD। तो बरूवाला से कलेक्शन लेके आते थे, मेरे पास 16 PTD में नहर के पास मेरे साथ घटना हो गई, जिसमें मेरा बैग छीन लिया गया। एक तलवार वाला बंदा था जो बाइक लेके आया था, प्लेटिना बाइक थी उसके पास, उसका मोटरसाइकिल का वाइजर वगैरह टूटा हुआ था और मेरे को रुकवाया कि भाई साहब मेरा मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा। तो मैंने बोला भाई साहब क्या बात होगी, तो ऐसा भी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्ट कर दो। तो मैं जैसे ही बाइक से उतरने लगा तो उसने अपनी तलवार निकाली और मेरी गर्दन पे रख दी और मेरे को बोला बैग दे। मैंने उसको बैग दे दिया कि नहीं तो मार दूंगा। मैं उसको बैग दे दिया और वो बैग लेके भाग गया। और फिर मैंने आके थाने में रिपोर्ट कर दी और मेरे बैग में एक टेबलेट था, एक बायोमेट्रिक थी, एक पावर बैंक था और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट थे मेरे, और 55,515 रुपये थे।